आपको बता दें कि कोरोना काल कलाकारों के लिए बेहद दुखद रहा, जिससे उन्हें अपना घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है, तो दूसरी ओर डीजे की धूम का भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भजन और भक्ति गीत भी प्रभावित हो रहे हैं। ये कहना है राजस्थान के मशहूर लोकगीत भक्ति संगीत भजन गायक प्रकाश माली का, जो मरु नगरी बीकानेर में आयोजित एक भक्ति संध्या में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान भजन गायक प्रकाश माली से खास बातचीत हुई बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने। रूप प्रमाण जिन मिनक में मिनक प्रो देव रूप प्रमाण देव रूप प्रमाण जिन मिनक में मिनक प्रो देव रूप प्रमाण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के भक्ति संगीत के खासतौर पर एक शानदार सिंगर के रूप में पहचान रखने वाले प्रकाश माली। हम बात करेंगे, बीकानेर आए हुए हैं। सर बताएं क्या, नमस्कार, क्या कहेंगे अगर हम भजनों की बात करें तो क्या क्या कुछ खास भजनों की मैं आजकल के समय की बात करें? अभी नहीं, माहौल तो भजनों का तो सदाबहार हमेशा अमर रहता है, पर अभी जो ये जो डीजे का ये थोड़ा माहौल है उसमें थोड़ा सा कई बार यूँ लगता है कि शायद हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। 17-18 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, तो हर युग में कुछ परिवर्तन आते हैं और अभी जो परिवर्तन है कोरोना के कारण से भी हम मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल जो भजनों का या जिस प्रकार से जैसा होता था उसमें थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तर्ज पे या जिस बीट पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं शायद वो हमारे पूर्वजों की कल्पना नहीं थी। भजनों की बात करें खासतौर पर, हमने आपको देखा है, कई बार देखा है यूट्यूब के माध्यम से, कई लोगों पर भी देखा है, काफी होशियार की तरह से आप गाते हैं, माना प्रदान करते हैं, ऐसे गीत गाते हैं। मैं बेसिकली हमने प्रयोग किया था भजन संध्याओं के साथ में देशभक्ति गाने का, जिस समय ये प्रयोग हमने किया उस समय कई लोगों ने कहा कि शायद ये प्रयोग असफल होगा, पर मुझे पूर्ण विश्वास था क्योंकि मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो जब महाराणा प्रताप और उसके बाद में लगातार पन्ना धाय के इतिहास को हमने गाया, फिर विश्व मंगल गोग्राम यात्रा जब हुई तो उस समय गौशाला के लिए विशेष रूप से जय धरती माँ जय गौ माता ये गाया, तो उसके बाद में इस परंपरा को लोगों ने और भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लोगों ने इसको स्वीकार करके नए गायकों ने भी इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, कलाकारों के लिए कोरोना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल है, कलाकारों को ही सबसे ज्यादा इस पूरे 2 साल का 2.5 साल का जो समय है उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को परेशानी झेलनी पड़ी है व्यवसाय की दृष्टि से देखें या परिवार की व्यवस्थाओं को लेकर देखें तो सब कुछ चलता है, लेकिन जब इवेंट नहीं होता, काम नहीं होता तो कलाकार तो बहुत मुश्किल में है। तो ये देख प्रकाश माली जी का सीधे तौर पर कहना है गीत संगीत का इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान के चलते कहीं ना कहीं श्रोता भी कम होते जा रहे हैं, चिंता का विषय है।